हेलो फ्रेंड्स, का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्षमा करने से क्या होगा आपके मन में चल रहा होगा। हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर बात करना बंद कर देते हैं, पर क्षमा करते नहीं है। पर आज का टॉपिक मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्षमा करने की जरूरत है। एक दूसरे के बारे में बुराई को याद रखने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के संग में रहने की जरूरत है। इससे क्या होगा वही मैं आपको वीडियो के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी बहुत ही सिंपल होने वाला है, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है। आज का स्टोरी दो भाइयों के बारे में है जिनमें बहुत प्रेम रहता है, बहुत आदर सरकार रहता है, पर जैसा ही कहा जाता है जब पैसा बीच में आता है सब कुछ भीतर हो जाता है। जो बड़ा भाई रहता है बहुत पैसे वाला रहता है, बहुत धनवान रहता है, उसके पास पैसा का कमी नहीं है, किसी भी चीज़ का कमी नहीं है, उसके पास हर कुछ भरा पूरा है। छोटा भाई रहता है, उसको बिजनेस में थोड़ा लॉस हो चुका है, इसीलिए अपने बड़े भाई से पैसा उधार पे लेता है, पर वो देता नहीं है। पैसा लेने के बाद छोटे भाई का बिजनेस अच्छा चलने लगता है, आमदनी होने लगता है, वो भी धीरे धीरे बड़ा इंसान बनने लगता है, पर वो अपने बड़े भाई को पैसा चुकाता नहीं है और इसी बात पर झगड़ा हो जाता है। और ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है, झगड़ा इतना बढ़ चुका है कि दोनों एक दूसरे से बातचीत करते नहीं है, और ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है। एक दिन ऐसे ही एक महात्मा संत घूमते घूमते बड़े भाई के दुकान के बाहर आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। जब भिक्षा मांग रहे होते हैं तो बड़ा भाई उससे कहता है, मैं आपको भिक्षा दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे पास में एक सवाल है जिसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा है, कृपा करके आप मुझे दे सकते हैं। बाबा कहता है, पूछो ना बेटा क्या बात है, अगर मेरे संभव में होगा तो मैं जरूर तुम्हारा हेल्प करूंगा। बड़ा भाई कहता है, मेरे छोटे भाई के संग झगड़ा हो गया है, मैंने उससे कुछ पैसा उधार दिया था, पर अब वो मुझसे बातचीत भी करता नहीं है। उसके लाइफ में दुख पड़ा था तो मैंने पैसे से हेल्प किया था, पर आज ऐसा हो गया है कि मेरा पैसा वो चुका नहीं रहा है और वो सब कुछ भूल चुका है, मेरा भी बहुत सारा लॉस हो गया है। तो संत जी कहते हैं, एक काम करो, तुम मिठाई लेकर उसके घर जाओ और उससे जाकर ये कह देना कि मेरा भूल था और मैं अपने किए हुए शर्मिंदा हूँ, मुझे तुम क्षमा कर दो, उसके बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बड़ा भाई कहता है, मैं उससे क्षमा क्यों मांगूँ, मैंने जब गलती किया ही नहीं है। संत जी कहते हैं, मैं तुम्हें जितना कह रहा उतना करो, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले की तरह हो जाएगा। बड़ा भाई भी संत जी का बात सुनकर मिठाई और फल किनकर छोटे भाई के घर चला जाता है। छोटे भाई से जाकर कहता है, मेरा गलती था, मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा होगा नहीं, और चलो हम एक साथ मिलकर रहते हैं। इतना सुनकर छोटा भाई भी फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है, आपने मेरे बुरे समय पर मेरा हेल्प किया था और मैंने आपसे झगड़ा कर लिया, यहाँ पर आपका कोई गलती तो था ही नहीं, सब गलती मेरा ही था, इसलिए कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए और ये लीजिए अपना पैसा, आपने जो भी मुझे पैसा दिया था मैं आपको कुछ समेत लौटा रहा हूँ। इतना सुनते ही बड़ा भाई कहता है, मैं यहाँ पैसा लेने आया नहीं हूँ। छोटा भाई कहता है, अगर आप पैसा नहीं लीजिएगा तो मेरे माथे पे बहुत बड़ा कर्ज रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कृपा करके आप पैसा ले लीजिए, मुझे इस कर्ज से मुक्त करिए। और ऐसे दोनों में मिलन हो जाता है और दोनों फिर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, एक दूसरे के प्रति कितना भी गुस्सा हो पर जहाँ पर क्षमा रहता है वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आपके अंदर में क्षमा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इस दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में लड़ने वाला इंसान बड़ा होता नहीं है, इस दुनिया में क्षमा करने वाला इंसान बड़ा होता है, इसीलिए अपने अंदर में क्षमा रखने की जरूरत है। अगर आप क्षमा रख सकते हैं तब कुछ भी कर सकते हैं, आप पूरा दुनिया को जीत सकते हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, क्षमा रखिए और आगे बढ़ते जाइए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। इस दुनिया में सक्सेस पाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, एक ना एक दिन सबको सक्सेस मिलता है, आपको बस हार्डवर्क देने की जरूरत है, आगे बढ़ते जाना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। जैसे उस कहानी में पहले वो लोग जैसे रहा करते थे वैसे वो लोग रहा करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आप अपने चैनल पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पहली बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।